गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में देखें, इस टर्म ब्रायोन मींस मॉस, फाइटोन मींस प्लांट्स। ब्रायोफाइटा एक्चुअल में क्या है? ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। एक सिंपलेस्ट प्रिमिटिव है, आदिम जमाने की है, और नॉन वेस्कुलर है, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे। एम्ब्रियोफाइट्स है, दैट मीन्स एम्ब्रियो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्यूपाई पोजीशन इन बिटवीन ग्रीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ग्रीन थैलोफाइट्स जो यानी कि एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेरिडोफाइट्स के बीच में इनकी पोजिशन है। 960 जनरा, 24,000 स्पीशीज है इसमें, और ये प्रेजेंट जनरली कहाँ पर होगा? मॉइस्ट प्लेसेस पे, धरती में जहाँ पर भी नमी युक्त वातावरण मिलेगा वहां पर ये मिलेंगे, मॉइस्ट सॉयल में, वॉल्स में, और हो सकता है जो जंगल में बड़े बड़े जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं, लकड़ी के जो बड़ा पेड़ काटते हैं तो बड़ी उसकी टहनी जो होता है, तना होता है जो मोटा, उसको लॉग्स कहते हैं, तो वो बड़े बड़े लॉग्स पे भी कई बार डिकेइंग फॉर्म में मिलता है। टेरेस्ट्रियल है, सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज्ड इन वाटर में आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, इक्शिया फ्लूटेंस है, इक्शिया कार्पस नेटेंस है, रायला है, ठीक है। दे थ्राइव ऑन ड्राई रॉक, कुछ है जो सूखी हुए चट्टानों पर मिलते हैं। अब सूखी चट्टानों पर मिलने वाला और स्केंटी सॉयल, वहां पे सॉयल बहुत कम है और नमी ज्यादा है, थोड़ी सी नमी ही मिलेगी वहां पर, तो पोरेला प्लेटीफाइला है उसका एग्जाम्पल। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, देयर फॉर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, जल की आवश्यकता रहती है, जिसकी वजह से इस ब्रायोफाइट्स को क्या कह रहे हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एपिफेटिक ब्रायोफाइट कौन से हैं? ऐसे ब्रायोफाइट्स जो दूसरे पादपों के ऊपर रहते हैं उनको एपिफेटिक ब्रायोफाइट कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, ऑन, फिटिंग मतलब प्लांट है, तो ऑन द प्लांट ब्रायोफाइट्स कौन से मिलेंगे? डेंड्रोसिरोस है, फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर जो है स्टेम की ऊपर मिलेगा, प्लांट की स्टेम के ऊपर मिलेगा डेंड्रोसिरोस। सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट कौन से हैं? स्पेलिंग करेक्ट कर लें, ब्रायोफाइट की स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे जो है। सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट की बात करें, बॉक्सबोमिया मेनाकाटा, बॉक्सबोमिया अफाइला, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। फॉसिल जो ब्रायोफाइट्स हैं जिनके रिकॉर्ड हमें टर्शरी पॉक में मिले हैं, सीनोजोइक एरा में मिले हैं, वो कौन से हैं? मिसेट्स, येलोरेंसिस, जंगल मैनिट्स। मेसोजोइक एरा में कौन से मिले? स्फैग्नम स्पीशीज हैं, लिसियोप्सिस, फ्लोरेनिट है, माकेंशियो लाइट्स, पोरोसिस है, और नेटाडिटा लैंसियोलाटा है। पैलेजोइक एरा में माकेंशियट्स स्पीशीज, एंटिया वर्मिकुलरिस, आई फैल्सिफॉर्मिस, सेलरस लॉन्गीफोलिया, हेपेटिसाइट्स लैंगी, हेपेटिसाइट्स लोटेटस। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो अलग अलग जगह हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स का अगर आपको पूछा जाए ब्रायोफाइट्स का हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अलग अलग ईरा में हमें अलग अलग मिले हैं। सीनोजोइक ईरा में अलग है, मेसोजोइक एरा में अलग है, पैलियोजोइक एरा में अलग है। जा रहे हैं अकरेंस की। अकरेंस कहाँ कहाँ मिलेंगी? ब्रायोफाइट्स आर कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हिमालयाज एंड इन द नीलगिरी हिल्स। ज्यादातर ये आपको जो है उत्तरी और दक्षिणी हिमालय में मिलेंगी और नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेंगी। रिक्शिया मार्केशिया फनेरिया ये जो है प्लेन्स में मिलेंगे, साउथ इंडिया के राजस्थान में मिलेंगी, एमपी में, यूपी में और गुजरात में मिलेंगी। अब इसकी गेमिटोफाइट स्टेज की बात करें कि ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट स्टेज होती है, तो वो कैसी होती है? डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल की इसकी, स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, लेंथ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर बड़ी है,
लार्जेस्ट जो इसमें ब्रायोफाइट मिलता है 70 सेंटीमीटर लेंथ का, उसका नाम देखिए डाउसोनिया स्पीशीज है पॉलीट्राइकम कॉम्यूनी। लेस हाइट क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम या मैकेनिकल टिश्यू जो है वो इसमें नहीं है। जनरल कैरेक्टर्स यहां देखिए, हम लोग स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कर रहे हैं, तो उसका स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस बुक्स बता रहे हैं, एनएस परिहार और वी पुरी नाम की दो रेफरेंस बुक्स हैं, वो आपने पढ़नी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और मैक्सिमम हो सके तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालें। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायन और फाइटा हम कर चुके हैं। मॉस प्लांट, इसमें रूट स्टेम लीफ का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो लीफी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, माइक्रोस्कोपिक है ये। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो डिवीजन है एम्ब्रोफाइटा की, वो ब्रायोफाइटा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, लिव्स इन शेड, तो इसको साइजोफाइट्स भी कह रहे हैं, साइजोफाइट्स शेड लविंग प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, नॉन वेस्कुलर है। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ केवर, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ केवर, फर्स्ट डिटेल स्टडी डन बाय हिम, जो डिटेल स्टडी पहली बार की थी उन्होंने की थी। इंडिया में जो स्टडी की गई थी वो एस आर कश्यप ने की थी। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन है? एस आर कश्यप। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ग्रीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो नॉन ग्रीन फंजाई हो जाएंगे, ग्रीन जो पार्ट है थैलोफाइट्स का वो एल्गी हो जाएंगे, तो ग्रीन एल्गी और ग्रीन थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच की बात कर, ग्रीन एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट बॉडी इसकी कैसी है? हिटोमॉर्फिक है, गेमिटोफाइट है। तो हिटोमॉर्फिक मतलब गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों है। गेमिटोफाइटिक जो बॉडी है वो इसकी डोमिनेंट फेस है। हिटोमॉर्फिक मीन्स दो तरह की मिलेंगी इसको प्लांट बॉडी, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट इज डोमिनेंट फेस, कॉन्स्पिकुअस है, विजिबल है पार्ट, गेमीट फॉर्मिंग प्लांट है, यहां से गेमीट फॉर्मेशन होती है। स्पोरोफाइट जो है शॉर्ट लिव्ड है, डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, और स्पोर फॉर्मिंग प्लांट है, यहां से स्पोर बनेंगे। गेमिटोफाइट की बात करें तो थैलस जो है उसका रूट स्टेम लीफ में तो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, लीफ ही है, लीफ ही भी कैसे है, लीफ एंड स्टेम है, रूट एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें जब नॉन डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है तो उसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लीफ ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, हेपेटिक ऑप्सिटा लीवरवर्ट्स में मिलेगी, देखने में लीवरवर्ट की शेप लग रही है, लीवर की शेप लग रही है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में आपको हॉर्नवर्ट्स हॉर्न की तरह शेप दिखेगी आपको ये। फिर आप बात करें इसमें लीफी की, लीफी जो है वो हमें कहाँ मिलेगी? मसाई में, मॉसेस में मिलेगी। रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स एब्सेंट कहाँ पर हैं वो देखिए, राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स इंस्टेड ऑफ रूट्स। राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में, रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, रूट्स एब्सेंट होते हैं। तो इसमें राइजोइड्स कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हमारे पास दो है सिंपल जो हिपैटिक ऑप्सिटा में मिलेंगे, ट्यूबरकुलेटेड जो कि इसके डायग्राम आपको यहां पे दिया हुआ है ट्यूबरकुलेटेड का, ये देखिए सिंपल राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स दोनों आपको बताए हुए हैं। फिर मल्टी सेलुलर में देखिए एंथोसेरोटॉप्सिडा में मिलेंगे या मसाई में मिलेंगे, ये ऐसे है मल्टी सेलुलर। डायग्राम में बहुत क्लियर है कि सेलुलर डिविजन्स हुए हुए हैं। राइजोइड्स की बात करें तो ये मेन काम इनका क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। यहाँ पर थैलस के स्ट्रक्चर में आपको ग्रोइंग टिप दिखाई गई है डायग्राम में, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बिलो सरफेस ऑफ ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप के नीचे की तरफ, ठीक है, वहां पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ग्रोइंग टिप को कवर कर सके। कवर किस लिए करना है? वो ग्रोइंग टिप को बचा के रखना, क्योंकि वो ग्रोइंग टिप के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और ये ग्रोथ करेगा, उस थैलस को वृद्धि करने में मदद करेगा। तो हमें उस पार्ट को, ग्रोइंग टिप को बचा के रखने के लिए क्या अडेप्टेशन की गई है, इसमें स्केल्स हैं।
स्केल्स भी हमारे पास दो तरीके के, सिंपल स्केल और अपेंडिकुलेट स्केल। एनाटॉमिकली सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, एनाटॉमिकली अगर चेक करें सेलुलर लेवल पे तो सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं, हार्ड सेल्स एब्सेंट हैं, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, हाइट ऑफ प्लांट शॉर्ट है। अब नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फ्रेगमेंटेशन है, पीसेस में कट हो जाए तो भी ग्रोथ कर सकता है, ट्यूबर ट्यूबर्स की फॉर्म में भी ग्रोथ कर सकता है, गैमेकप में भी जो गैमा प्रेजेंट होते हैं वो न्यू थैलस सिंथेसाइज करने में बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोपेग्यूज जो काम है यहाँ पे देखिए, प्रोपेग्यूज होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं ताकि वो एडवर्स कंडीशन में फूड यूटिलाइज कर सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दो बताए गए हैं, एंथ्रीडिया मोटाइल ये मीट्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स बना दें मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में होंगी। आर्किगोनिया जो है वन इन नंबर है, नॉन मोटाइल गैमीट है, इसकी जो स्ट्रक्चर में नेक और वेंटर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए सेक्स ऑर्गन्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेलुलर, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन होगा जब वेंटर का एग और एक एंथ्रोजॉइड की फ्यूजन होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन है, रेस्टिंग पीरियड नहीं है। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट सेल जाइगोट है, डायरेक्टली गिव राइज टू एम्ब्रियो, फर्स्ट लैंड प्लांट ग्रुप टू फॉर्म एम्ब्रियो, इसीलिए इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी कह रहे हैं। एम्ब्रियोफाइटिक डिवीजन में एम्ब्रियोफाइटा में ये सबसे पहले आते हैं ब्रायोफाइटा, तो फर्स्ट लैंड प्लांट ग्रुप टू फॉर्म एम्ब्रियो स्पोरोफाइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।